चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो कईयों को पता नहीं होगा टॉपिक क्या चल रहा है। टॉपिक अपना है प्लांट मॉर्फो, ठीक है। टॉपिक चल रहा है प्लांट मॉर्फोलॉजी, और प्लांट मॉर्फोलॉजी में रूट वाला जो सेगमेंट है वो हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट, यानी रूट, रूट के मॉडिफिकेशन और उसके फंक्शंस, वो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करें हम लोग स्टेम की, स्टेम के जो ब्रांचिंग की टाइप होती है वो डिस्कस हो चुकी है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। आज बात करेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशन की, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन से। स्टेम की जो मॉडिफिकेशन है, देखो स्टेम कई तरह से मॉडिफाई होती है। कुछ स्टेम्स अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन शो करती है, कुछ एरियल स्टेम्स ही मॉडिफिकेशन शो कर देती है, कुछ सब एरियल होती है जो ना तो अंडरग्राउंड है ना पर्टिकुलरली एरियल है, ठीक है, लैंड के बिल्कुल अटैच्ड फॉर्म में मॉडिफिकेशन शो करती है, उन्हें सब एरियल स्टेम्स कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स की, ठीक है। फर्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो देखो स्टेम्स जनरली एरियल पार्ट है प्लांट का, ठीक है, नॉर्मली हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था ना, स्टेम नॉर्मली अबव द ग्राउंड रहने वाला एरियल पार्ट है, क्लियर है। बट कई बार मॉडिफिकेशंस के लिए कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो परफॉर्म करने के लिए स्टेम अंडर द ग्राउंड डेवलपमेंट शो करती है, क्लियर है, उन्हें अंडरग्राउंड स्टेम्स कहते हैं। वो मॉडिफिकेशंस किस किस तरह की है वो देखनी है, समझ रहे हो। तो देखो अंडरग्राउंड स्टेम में पहली मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम की पहली मॉडिफिकेशन है ट्यूबर, ट्यूबर, क्लियर है। ट्यूबर का सबसे पहले एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल है ट्यूबर का पोटैटो, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका साइंटिफिक नेम होता है। अब देखो पोटैटो जो ट्यूबर है ये क्या होता है, एक्चुअल में स्टेम ही है जो अंडरग्राउंड हो गई और मॉडिफिकेशन शो कर रही है, ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशंस किस लिए होती है, तो वो देखो मॉडिफिकेशंस है फॉर फूड स्टोरेज, फॉर फूड स्टोरेज, क्लियर है। स्टेम है, स्टेम हमें कैसे आइडिया लगता है कि ये एक स्टेम है, तो देखो इसके ऊपर ऐसे तुम लोगों ने स्कार्स देखे होंगे, ठीक है, जैसे कट टाइप स्ट्रक्चर्स ऐसे स्कार्स देखे होंगे पोटैटो आलू के ऊपर, क्लियर है। ये स्कार्स क्या होते हैं, इन स्कार्स को कहा जाता है नोड्स, इन स्कार्स को कहा जाता है नोड्स। और नोड्स और इंटरनोड्स तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक है, एक आइडिया तो यहां से मिलता है। दूसरा जब इसको कुछ टाइम के लिए जैसे ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए, ह्यूमिड इन्वायरमेंट मिल जाए, या फिर कुछ टाइम इसे रखा रहे किसी पर्टिकुलर एक जगह, तो क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशन जैसे ह्यूमिडिटी पर्टिकुलर अमाउंट में मिले, तो इन नोड्स से ये जो स्कार हैं यहाँ पे एक बड होता है जो कि डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, यहाँ से लीफलेट्स डेवलप होने लग जाती है, ठीक है, छोटी 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 छोटी, जिसे हम पोटैटो की आई आई बोलते हैं, आँख बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये यहाँ क्या होता है, बड्स, यहाँ है बड जो डेवलपमेंट शो करेंगे, क्लियर है। अब बड की डेवलपमेंट नॉर्मली हमें स्टेम पे ही देखने को मिलती है, तो एक और एविडेंस मिल गया कि ये स्टेम है। सेकंड देखो क्या होता है, प्लांट है जो पोटैटो का, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, क्या होता है ये प्लांट है, इसकी स्टेम अंडरग्राउंड गई इस तरह से, ब्रांचिंग हुई अंदर ही, और हर ब्रांचिंग की टिप जो एंडिंग है वहां पर इस तरह से डेवलपमेंट होगी पोटैटो की, ठीक है, समझ गए, ये है। और ऊपर थोड़े से लीफी पार्ट होते हैं, ये नॉर्मल लीफी पार्ट, क्लियर है। ये इस तरह के जो टिप पार्ट पे हैं, यहां से स्टेम ने स्वेलिंग शो कर दी, स्वोलन टिप है ये, जो कि ट्यूबर कहलाती है, क्लियर है। और ट्यूबर पहली एग्जांपल है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की, समझ रहे हो, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम ट्यूबर्स का एग्जांपल है, ट्यूबर पोटैटो में शो होते हैं, क्लियर है, समझ गए, पहला एग्जांपल समझ आया क्या, ट्यूबर। देखो ये स्कार टाइप स्ट्रक्चर्स नोड्स हैं, नोड्स हमें आइडिया देती है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, कहाँ नोड और इंटरनोड किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, स्टेम की। और इन नोड्स को जब कुछ टाइम फेवरेबल एनवायरनमेंट में इस पोटैटो को रखा जाए, इस ट्यूबर को रखा जाए, तो यहाँ से पे जो बड होते हैं वो बड डेवलपमेंट शो करते हैं, छोटे छोटे लीफी पार्ट्स डेवलप होने लग जाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये तो होगी पहली डेवलपमेंट जो कि ट्यूबर है। सेकेंड जो है
अंडरग्राउंड स्टेम की ही सेकंड मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है राइजोम। राइजोम देखो, राइजोम जो है, अगर हम नॉर्मली एग्जांपल की बात करें, इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है जिंजर और टर्मरिक। जिंजर एंड टर्मरिक, क्लियर है। बट देखो, राइजोम हम लोग जो पढ़ते हैं वो सिर्फ एक टाइप का पढ़ते हैं, एक्चुअल में राइजोम के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। राइजोम जो है वो भी फर्दर टाइप्स में बटा हुआ है। देखो, राइजोम है कैसा, पहली बात ये हमें कन्फर्म है कि अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि मॉडिफाई हो रही है, और देखो पहला पर्पज तो यही होगा फूड स्टोरेज के लिए, और राइजोम का जो दूसरा पर्टिकुलर पर्पज है वो हम लोग देख लेंगे। बट देखो, राइजोम भी टाइप्स में डिवाइडेड होता है, राइजोम के भी सब टाइप्स होते हैं आगे, ठीक है। दो तरह का राइजोम है, एक जिसे हम वर्टिकल राइजोम बोलते हैं और एक हॉरिजॉन्टल राइजोम होता है। हॉरिजॉन्टल राइजोम, वर्टिकल राइजोम में क्या होगा, देखो सोइल लेवल है, ठीक है, ये सोइल लेवल है, यहां से जस्ट डायरेक्ट जो स्टेम है ना वो अंडरग्राउंड वर्टिकली डेवलपमेंट शो करती है। वर्टिकल मतलब लॉन्ग एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, ठीक है। तो ये जैसे सोइल लेवल बनाया हम लोगों ने, और यहां पर ये डायरेक्ट इसी तरह स्टेम मॉडिफाई होना शुरू हो जाती है, ठीक है, इस तरह की मॉडिफिकेशन शो करती है। इस पे हमें स्कार जैसे स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलते हैं, लाइनिंग, ये नोड्स और इंटरनोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स को, ये नोड्स हैं और इंटरनोड्स हैं, ये इस तरह से डायरेक्ट वर्टिकल एक्सिस पे डेवलपमेंट शो कर रहे हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट एग्जांपल जो हम लोग देखेंगे ना उसी की स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह की हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। यानी स्टेम की जो पार्ट है वो पर्टिकुलर अलग अलग टाइप से डेवलप होंगे, जैसे जो नोड्स है ना वहां से कंस्ट्रिक्ट होगा स्ट्रक्चर, जो इंटरनोड है वो स्वेलन हो जाएगी, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड पार्ट होंगे। पूरी स्टेम है जो हॉरिजॉन्टली डेवलप हो रही है, ठीक है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नोड्स और इंटरनोड से जो ब्रांचिंग, नॉर्मल स्टेम में जो ब्रांचिंग होती है ना वो ब्रांचिंग स्वेलप होगी, यहाँ वो ब्रांचिंग क्या हुई, स्वेलप होगी, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर तुम लोग नॉर्मली किसका देखते हो, जिंजर का देखते हो ना, ठीक है। अब पर्टिकुलर वैसा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, लग नहीं रहा होगा, रीजन है क्योंकि उस पर भी इस तरह के स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जिंजर को देखोगे तुम लोग, अदरक को, तो अदरक पे भी इस तरह के स्कार्स होंगे, ठीक है, इस तरह की लाइनिंग होगी, ध्यान से देखोगे तो ये रिप्रेजेंट करती है इन ब्रांचेस पे प्रेजेंट नोड्स और इंटरनोड्स को, ठीक है, इन ब्रांचेस की नोड्स और इंटरनोड्स को रिप्रेजेंट करती है ये लाइनिंग। अब ये तो है लेटर स्टेज, जब हम अगर मानो कि आज ही इसे सोयल से निकाला है, आज ही इस जिंजर को सोयल से निकाला है हम लोगों ने, तो क्या होगा, हमें कैसे नजर आएगी ये, इसकी ये जो नोड्स हैं, जो ये मैं बना रहा हूँ लाइनिंग वाले पोर्शन, इन नोड्स के पास छोटे छोटे ऐसे लीफी स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे तुम्हें, ऐसे छोटे छोटे लीफी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्योंकि लेटर स्टेज में तो ये सूख जाते हैं और ये झड़ जाते हैं, एक तरह से तुम लोग कह सकते हो गिर जाते हैं, बट जब तुम लोग इसे निकालते हो ना, ठीक है, उस टाइम ये प्रेजेंट होते हैं, ये हमें दिखाई देते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं स्केली लीव्स, स्केली लीव्स, ठीक है। ये हैं नोड्स, नोड्स, ये नोड्स हैं। तो दो तरह की हैं, दो तरह की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्लियर है। वर्टिकल राइजोम अलग है, हॉरिजॉन्टल राइजोम अलग है, बट स्ट्रक्चर जस्ट सिमिलर होगा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा होगा, एक दूसरे के जस्ट सिमिलर होगा, बट एक्सिस का ही डिफरेंस होगा, एक छोटा सा डिफरेंस है सिर्फ एक्सिस का, क्लियर है। एक बार इतना कंप्लीट करो, वो राइजोम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट करना है, ठीक है, ये नोट डाउन करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग, ठीक है, जल्दी हो गया, मैसेज ग्रो हो जाए तो डन। चलो अब बात करते हैं इस राइजोम को कंप्लीट करने, अब देखो राइजोम की बात कर लेते हैं, ठीक है। राइजोम जो है
ये वर्टिकल राइजोम और हॉरिजॉन्टल राइजोम है। हॉरिजॉन्टल राइजोम थोड़ा आगे भी डिफ्रेंशिएट होता है दो टाइप्स में, तो उसको इतना ही रहने देते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ साइड में, वर्टिकल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये वर्टिकल डायरेक्ट यहाँ स्टेम वर्टिकली अंडरग्राउंड होगी, ऊपर जो लीफी पार्ट होता है वो डेवलप होगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है, समझ गए। स्टेम डायरेक्टली अंडरग्राउंड डेवलप हो रही है और वर्टिकल एक्सिस पे हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं रूट स्टॉक, रूट स्टॉक, क्लियर है। इसका नाम दे देते हैं, इसको एक टर्म दे देते हैं पर्टिकुलर, रूट स्टॉक, क्लियर है, क्योंकि अपीयरेंस रूट जैसी दे रही है, ये प्राइमरी रूट जैसी। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में ये प्रेजेंट होगा, जैसे फर्न है, फर्न में प्रेजेंट होगी वर्टिकल राइजोम, क्लियर है, बनाना है, ये इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज तुम्हें समझने लायक है कि जो स्केली लीव्स की हम लोगों ने बात की थी ना, ये स्केली लीव्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, फर्न में जो स्केली लीव्स होते हैं ना उनको एक स्पेशल टर्म दी गई है, उनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, उन्हें कहा जाता है रमेंटा, रमेंटा, फर्न के स्केली लीव्स को रमेंटा कहा जाता है। ये क्या है, ये है स्केली लीव्स, स्केली लीव्स, क्लियर है। यानी यहाँ जो स्केली लीव्स प्रेजेंट होंगे, अगर ये फर्न है, अगर ये फर्न है तो इसे कहा जाएगा रमेंटा, क्लियर है, इसे रमेंटा कहा जाएगा, ये है स्केली लीव्स। स्केली लीव्स से तुम लोग क्या समझते हो, कैसे पत्ते होंगे, ये पत्ते स्केल्स जैसे हो जाएंगे, जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल है जो ओनियन होता है, ओनियन, ओनियन का जो बाहरी जो लीफ होता है जिसको हम ट्यूनिक बोलते हैं, समझेंगे क्या होता है ट्यूनिक, ओनियन भी स्टेम मॉडिफिकेशन का ही एग्जांपल है, वो क्या होता है, उसको हम स्केली लीव्स बोलते हैं, उस टाइप के स्केली लीव्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्केल्स जैसी फीलिंग दें जो लीव्स, समझ गए। तो ये देखो ये वर्टिकल तो हो गया यहाँ कंप्लीट, अब हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल राइजोम है ना, हॉरिजॉन्टल राइजोम है वो फर्दर दो टाइप्स का होता है, वो फर्दर दो टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, एक होता है मोनोपोडियल, मोनोपोडियल, और एक होता है सिंपोडियल, सिंपोडियल। तो देखो मोनोपोडियल और सिंपोडियल में डिफरेंस, लास्ट लेक्चर में वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मोनोपोडियल और सिंपोडियल क्या है, ठीक है, मोनोपोडियल किसे कहते हैं, सिंपोडियल किसे कहते हैं, पर कुछ बच्चे हैं जो आ जाए हैं, तो देखो समझने वाली चीज़ है, मोनोपोडियल सिंपोडियल इनफ्लोरोसेंस में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, मोनोपोडियल सिंपोडियल राइजोम में भी डिस्कस कर रहे हैं, मोनोपोडियल सिंपोडियल पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेम में भी, स्टेम की टाइप में भी मोनोपोडियल सिंपोडियल डिस्कस किए थे। देखो क्या होता है, मोनोपोडियल और सिंपोडियल, यहाँ मोनो मतलब सिंगल, पोडियल मतलब एक्सिस होते हैं, सिम मतलब जॉइंट। देखो क्या होता है, कुछ प्लांट्स की तो जैसे ये पर्टिकुलर एक एक्सिस है, इसी की ब्रांचिंग होगी सारी, ठीक है, इसके ब्रांचिंग निकल जाएगी, ये प्लांट की मेन एक्सिस होती है, इस तरह रहती है। कुछ प्लांट क्या होते हैं कि एक एक्सिस स्टार्ट हुई, वो एक ब्रांच पे आकर के एंड हो गई, फिर यहीं से इसकी दूसरी ब्रांच एक्सिस की तरह बिहेव करने लगी, वो भी एंड होगी, फिर तीसरी इसकी ब्रांच होगी, वो बिहेव करेगी, वो भी एंड हो जाएगी, इस तरह से जो लॉन्ग एक्सिस होती है ना प्लांट की, वो एक नहीं होती, कंप्लीटली एक का पार्ट नहीं होती, जबकि यहाँ की लॉन्ग एक्सिस है वो कंप्लीटली एक का पार्ट है। तो ये तो है मोनोपोडियल, और ये होते हैं सिंपोडियल। अब देखो यहाँ ऐसा क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ मोनोपोडियल सिंपोडियल जैसा क्या देखने को मिलेगा राइजोम में, तो समझने की कोशिश करना, पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल से समझ जाओगे। मोनोपोडियल का एग्जाम्पल है लोटस, लोटस, ठीक है, जो अपना नेशनल फ्लावर है, और सिंपोडियल का एग्जांपल है जिंजर एंड टर्मरिक, क्लियर है। देखो अब एक्सिस की बात हो रही है तो समझो, ये जैसे जिंजर है, ठीक है, क्लियर है, और लोटस क्या होता है, एक ब्रांच इस तरह से डेवलप हुई, ये दूसरी, अभी आगे जो डेवलपमेंट होगी जो फ्लावर की वो तो अलग चीज है, ठीक है, अब ये इस तरह से रहती है वाटर के ऊपर, ठीक है, लोटस। अब देखो
यहां तो हम लोग कह सकते हैं कि मोनोपोडियल एक एक्सिस है पूरे के पूरे राइजोम की, एक सिंगल एक्सिस है, ठीक है। जबकि यहां एक सिंगल एक्सिस हम लोग बनाने जाएं तो उसमें कितने पार्ट आ गए, इसका 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 इसका, कितनी, ये सारी ब्रांचेज ही तो हैं स्टेम की, सब ने मिलकर के ये लॉन्ग एक्सिस बनाई है। हाँ, एक्सिस हमें दिखेगी बट वो मोनोपोडियल नहीं, वो सिम्पोडियल होगी, ठीक है, समझ गए। ये डिफरेंस होता है मोनोपोडियल और सिम्पोडियल राइजोम में, यानी जो हॉरिजॉन्टल राइजोम है वो दो टाइप का होता है। अगर मैं कहूँ जिंजर क्या है, डायरेक्ट राइजोम का एग्जांपल बताने के बजाय मैं ये बताऊँ कि ये सिम्पोडियल हॉरिजॉन्टल राइजोम का एग्जांपल है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ये बात है। सिम्पोडियल हॉरिजॉन्टल राइजोम का एग्जांपल है जिंजर और टर्मरिक, जबकि लोटस है मोनोपोडियल हॉरिजॉन्टल राइजोम, और जो फर्न है बनाना है ऐसे एग्जाम्पल्स ये हैं राइजोम के, वर्टिकल राइजोम के एग्जाम्पल्स। क्लियर है, जल्दी नोट करो, ठीक है, जल्दी नोट करो। जल्दी अभी इनके फंक्शंस तो नहीं लिखे ना हम लोगों ने, फंक्शंस देखो, फंक्शंस और लिख लेते हैं यहीं कहीं, जल्दी मिलते यहाँ लिख लेंगे बाद में। हो गया नोट, बताओ। चलो शाबाश, मैं भी सोचूं ये दया क्या है। देखो अब फंक्शंस, राइजोम के फंक्शंस की बात हो रही है, क्योंकि इसके फंक्शंस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, पहला जो ट्यूबर था, अब राइजोम के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। राइजोम जो कि दूसरा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, फंक्शंस की बात करें तो देखो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन तो वही होगा, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज, क्लियर। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर बात करें तो वो होगा प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, समझ गए। क्योंकि बनाना जैसा जो एक तरह से हम लोग कहें कि ये हर्ब है, क्योंकि इसकी स्टेम तो अंडरग्राउंड मॉडिफाई होगी, ऊपर जो बताया वो तो इसका लीफी स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, तो ये हर्ब है, इसकी जो सूट है उसको एक सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, एक खड़े रहने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो कौन देता है, वो अंडरग्राउंड रूट, ये अंडरग्राउंड स्टेम ही तो देती है ना, ठीक है, ये राइजोम भी तो उसको सपोर्ट देता है। और इसी तरह का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, इसी का एक एग्जांपल और है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में भी, ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, जैसे जिंजर है, ठीक है, जिंजर की ऊपर ये जो नोड्स है यहाँ से डेवलप हो सकती है, ये वेजिटेटिव पार्ट ही तो है, यहाँ से डेवलप होंगे नए प्लांटलेट्स, ठीक है, अगर इसको सोइल में इमर्ज कर दिया जाए तो, समझ रहे हो, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करते हैं, ये इसके फंक्शंस हैं। और वहाँ एक एक्स्ट्रा एग्जांपल हो गया पाइनएप्पल, ये नोट कर लो जल्दी, ठीक है, क्लियर है, चलो हो गया, हो गया क्या, मिस्टेक से हो गया था सर, कोई बात नहीं, मैं कौन सा सजा देने वाला हूँ। और बाकी क्या क्या कर रहे हो भाई, बताओ तो, तुम लोग नोट कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखो, ये दो मॉडिफिकेशन हुई हैं अभी, अब थर्ड की तरफ चलते हैं। ट्यूबर राइजोम कंप्लीट हो गए, अब बात करेंगे नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो कि है कॉर्म, थर्ड टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, कॉर्म। कॉर्म के एग्जांपल देखो, कॉर्म के एग्जांपल, यानी कॉर्म किस टाइप के प्लांट की अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन होती है, तो इसके एग्जांपल्स थोड़े से याद रखने लायक है, सारे सी पे ही होंगे, ठीक है। एक तो होता है कॉर्कस, एक होता है कोलोकेशिया, एक होता है कोलोकेशिया, एक अलोकेशिया, अलोकेशिया अरबी होती है ना, अरबी, अरबी देखिए सब्जी बनती है अरबी की, वो कॉर्म का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कॉर्म की शेप कैसे होती है, कुछ लोग तो बताते हैं कि जैसे कॉर्म है, कॉर्म इस टाइप का होता है, जैसे ये है,
ये स्टेम इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली ज़्यादा ग्रोथ करती है, सॉरी ये हॉरिजॉन्टली ज़्यादा ग्रोथ करती है, ठीक है, इस तरह का शेप होता है। नॉर्मली लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ऐसी शेप ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है, और वो गलत भी नहीं है, वो बिल्कुल सही है। मोस्ट कॉमन शेप अगर कोरम की कहें ना तो यही होती है, और कुछ लोगों ने ऐसा कोरम देखा है जो लॉन्गिट्यूडनली थोड़ा सा ज़्यादा अरेंजमेंट शो करता है, जिसकी लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्वेलअप जो पोर्शन है वो ज़्यादा है। तो देखो ये दोनों ही शेप सही है, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है, बट क्या होता है ये मोस्ट कॉमन शेप है, ठीक है। अब देखो स्टेम है, स्टेम का पता कहाँ से चलता है, तो इसके ऊपर ये देखो इस तरह से ये नोड्स बनी हुई होंगी, ठीक है, इस तरह से रहती है नोड्स बनी हुई, क्लियर, इस तरह से अरबी पे देखा होगा कभी लाए हो तो, इस तरह की नोड्स बनी हुई रहती हैं, ठीक है। अब नोड्स और ये बीच वाला हिस्सा इंटरनोड, इन्हीं से पता चलता है कि क्या है, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है नोड्स, क्लियर है, समझ गए। तो ये दोनों शेप ही इम्पोर्टेंट है, जबकि ये शेप जो है ये मोस्ट कॉमन शेप होती है, मोस्ट कॉमन शेप, मोस्ट कॉमन शेप है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तो पर्टिकुलर प्राइमरी फंक्शन इनका यही होता है कि फूड स्टोर कर सके, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज इनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। फूड स्टोरेज के साथ साथ इनका दूसरा फंक्शन होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे, तो देखो इन्वायरमेंट मिलने पे जो पर्टिकुलर चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो इन्वायरमेंट मिलने पे ये कॉर्म है ना, ये कॉर्म इस नोड वाले रीजन से, ठीक है, जहाँ कॉर्म की नोड होती है इस रीजन से डेवलप करते हैं बेबी कॉर्म को, ठीक है, बेबी कॉर्म डेवलप होने लग जाता है यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखा भी होगा तुम लोगों ने, कंडीशंस ऐसी मिल जाती हैं नॉर्मली, तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव पार्टी है स्टेम और स्टेम से ही नया इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपना जो यानी फोर्थ एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन का डी, वो है बल्ब, बल्ब। अब जो बल्ब है ना वो दो टाइप्स का होता है, बल्ब के भी दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स। अब टू टाइप्स कौन कौन से, तो देखो एक तो होता है ट्यूनिकेटेड बल्ब, ट्यूनिकेटेड बल्ब, एक होता है नॉन ट्यूनिकेटेड, नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब, क्लियर है। तो ट्यूनिकेटेड नॉन ट्यूनिकेटेड का मतलब क्या है, ट्यूनिकेटेड और नॉन ट्यूनिकेटेड का मतलब होता है यहाँ तो ट्यूनिक जो एक कवरिंग होती है, ट्यूनिक प्रेजेंट होगी और इन बल्ब में ट्यूनिक जो कवरिंग है वो एब्सेंट होगी, ट्यूनिक नहीं होती। एग्जांपल एग्जांपल लिख के इसका यही पॉइंट ख़त्म कर दो, इसका एग्जांपल है लिली, लिली नहीं लिली, ठीक है। ये जो है ट्यूनिकेटेड, ये फिर फर्दर दो तरह का होता है, टू टाइप्स, कौन कौन से, तो एक तो सिंपल ट्यूनिकेटेड, क्लियर है, एक कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। जो तुम लोगों को एग्जांपल याद आ रहे हैं वो अभी आ जाएंगे। देखो सिंपल और कंपाउंड ट्यूनिकेटेड में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर से ही समझ आ जाएगा डिफरेंस, मेरे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। देखो क्या होता है इस केस में, ये सॉइल लेवल में बाद में बनाऊंगा, क्या होता है स्टेम जो है ना वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है स्टेम का, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया स्टेम का, और इससे फिर ये एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होती हैं, फाइब्रस रूट्स बोलते हो जिसे, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होती हैं। और स्टेम तो स्टेम और रूट वाला पोर्शन हो गया, बच गया क्या, लीफ वाला। तो लीफ क्या होते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं ना वो इस तरह से फ्लसी हो जाते हैं, ठीक है, इसके जो लीव्स हैं वो इस तरह से फ्लसी हो जाते हैं,
और अपीयरेंस ये बल्ब जैसी देते हैं, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये बल्ब का एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह से फ्लैशी हो जाएंगे। जानी पहचानी शेप लग रही होगी। ठीक है, ये इस तरह से डेवलपमेंट होती है। और ये जो ऊपर आ गया हिस्सा, यानी ये यहाँ ग्राउंड लेवल है, यहाँ ग्राउंड लेवल है। अब ये जो ग्राउंड लेवल से ऊपर चला गया हिस्सा, ये फिर आगे डेवलप लीफी पार्ट में डेवलप होगा, थोड़ा सा ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये इसके स्टेम वाला रीजन, ये कॉम्पैक्ट स्टेम है, ये स्टेम है। ये क्या है, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, यहाँ जो लीव्स प्रेजेंट हैं उन्हें कहा जाता है फ्लैशी लीव्स। क्लियर है। और इनके बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है लीफ की। ठीक है, जो प्रोटेक्टिव होता है, स्केली होता है, ये स्केली लीफ है, इसकी कवरिंग होती है इसके बाहर, समझ गए, जो कि हम खाते वक्त उतारते हैं, समझ गए। तो इसको क्या कहते हैं, यही तो है ट्यूनिसिन या ट्यूनिक। ठीक है, जो कि स्केली लीफ है, जो क्या है, स्केली लीफ, स्केली लीफ ट्यूनिक। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, यानी सिंपल ट्यूनिकेटेड का एग्जांपल क्या हो गया, सिंपल ट्यूनिकेटेड का एग्जांपल हो गया, दिखने में सही पता चल रहा है ना, ऑनियन, प्याज। ठीक है, ऑनियन है सिंपल ट्यूनिकेटेड का एग्जांपल, सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब। अब कंपाउंड की बात कर लेते हैं। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर कंपाउंड के पास हो, कंपाउंड में इतनी लेबलिंग नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जगह भी नहीं है और तुम लोग समझ जाना। ठीक है, क्योंकि सिंपल वाले स्ट्रक्चर सेम होंगे, यही कॉम्पैक्ट स्टेम होगी। ठीक है, जो डिस्क जैसी होगी है, और इससे यही डेवलप हो रहे एडवेंटिशियस रूट्स होंगे, फाइबरस हेयर लाइक रूट्स। क्लियर, समझ गए। ये तो हो गया रूट और स्टेम वाला पोर्शन। अब क्या होता है, जो लीव्स होते हैं ना, वो एक इस तरह के लीव्स होते हैं, मतलब लीव्स होंगे बट वो अपने अंदर मटेरियल स्टोर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ के लीव्स फ्लैशी हैं, जबकि यहाँ के लीव्स अपने अंदर खुद को ही कवर कर लेते हैं, ये मटेरियल स्टोर करके खुद को ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। और इनके बाहर फिर एक कवरिंग बनती है। तो देखो, ये कवरिंग तो वही ट्यूनिक कवरिंग होगी। ठीक है, ये कवरिंग तो वही ट्यूनिक कवरिंग होगी, और सॉयल लेवल से ऊपर आया हुआ ये पार्ट, इसका ये पार्ट ग्रीन होता है और लीफी होता है, ग्रीन और लीफी पार्ट होता है। अब देखो, इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, शक्ल तुम पहचान गए होगे। एग्जांपल होता है गार्लिक लहसुन। ठीक है, और जिसके ब्लैंक के आगे लगता है जो, ठीक है, कोई भी ब्लैंक हो उसके आगे लगने वाला लहसुन। देखो क्या होता है, लहसुन और जो प्याज है, अनियन और गार्लिक में डिफरेंस क्या है, यहाँ एक ट्यूनिक प्रेजेंट है। ठीक है, एक कंपाउंड सिंपल इसके बेसिस पे नहीं है, वो अलग चीज है। यहाँ एक ट्यूनिक प्रेजेंट है, और वहाँ ट्यूनिक बाहर वाली तो एक ही होती है, ऑल ओवर ट्यूनिक, तो जिसको हम उतारते हैं, जो अंदर भी जो लीफ होते हैं ना इसके, वो फूड स्टोर करके रखते हैं ना, उस पर लीफी कवरिंग भी होती है, वो भी स्केली लीव्स की कवरिंग बन जाती है। तो पहले तो वो स्टोर्ड फूड पे स्केली लीव्स की कवरिंग, फिर बाहर ट्यूनिक। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ बाहर एक ट्यूनिक होती है फ्लैशी लीव्स के ऊपर, समझ रहे हो। कंपाउंड और सिंपल
हेलो आवाज आ रही है बच्चों? एम आई ऑडिबल? बीच में आवाज को क्या हो गया था? किसी को नहीं आई या सिर्फ एक आधे कोई प्रॉब्लम थी? चलो जो भी हो, अब नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया क्या? अरे स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बताओ तो। चलो ठीक है, तो ये हुई अंडरग्राउंड स्टेम्स की मॉडिफिकेशन। ये अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन थी, फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड जो है, अब हम ग्राउंड से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, ठीक है, यानी ग्राउंड के ऊपर वाले सरफेस पे आते हैं, जो लेयरिंग होती है ग्राउंड की। सेकंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन यानी एरियल हुई है बट कंप्लीटली नहीं हुई, सब एरियल है, ठीक है, आदि एरियल स्टेम्स है, सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम्स की। क्लियर? लिख लो सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। चलो अब बात करते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन किस तरह की दिखेगी। पहली बात, ये स्टेम ना तो एरियल पार्ट पे होगी, मतलब ना तो हवा में होगी यानी ग्राउंड के ऊपर होगी, ना ग्राउंड के नीचे होगी, ये ग्राउंड के साथ अटैच होंगी, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पे ऐसे बिछी हुई रहेंगी, ठीक है। तो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है। सब एरियल में पहला जो एग्जांपल है वो है रनर। रनर, रनर का मतलब होता है दौड़ने वाला। अब देखो एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है रनर के साइनोडोन। साइनोडोन बोलते हैं दूब ग्रास को, दूब घास को, लोन ग्रास जो होती है ना उसको, साइनोडोन। क्लियर है? तो देखो क्या होता है यहां, जैसे ये सोयल लेवल है, ये सोयल लेवल है, ये प्लांट डेवलप हो रहा था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसकी जो स्टेम पार्ट होता है ना, वो ना तो एरियल होता ना अंडरग्राउंड होता, वो सब एरियल होता, वो ऐसे इस ग्राउंड लेवल के साथ साथ ऐसे अटैच रहता है, ठीक है। अब स्टेम है तो स्टेम पे नोड्स भी होंगे, इंटरनोड्स भी होंगे, ये नोड्स हैं स्टेम की, ठीक है, ये नोड्स हैं। मैं नोड्स इस तरह से शो कर रहा हूँ, तुम लोगों को दिखेगा नहीं यार, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये इस ग्राउंड लेवल के साथ साथ प्रेजेंट ये स्टेम है, ये स्टेम इस तरह से, ठीक है, समझ गए, ये है। अब इस पे प्रेजेंट होंगे ऐसे ही यहाँ नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। अब देखो जो जिस जगह पे जाकर के ये नोड प्रॉपर कॉन्टेक्ट में आ जाएगा ना सोल के, चाहे वो जस्ट यहाँ आ जाए चाहे थोड़ा बहुत आगे जाकर के आ जाए, ठीक है, जिस जगह जाकर के ये नोड पर्टिकुलर प्रॉपर कॉन्टेक्ट में आ गया ना सोयल के, ठीक है, वहाँ पर ये डेवलपमेंट शुरू कर देगा। ये जैसे ये एक नोड है, यहाँ पर्टिकुलर सोयल के कॉन्टेक्ट में आ गया, तो यहाँ से फिर डेवलप होंगी इसके अंदर रूट्स, ठीक है, ऐसे रूट सिस्टम डेवलप होने लग जाएगा। ज़्यादा डेवलप्ड रूट नहीं होती, लेस डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है इसका, ये डेवलप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ की ये रूट्स डेवलप्ड हैं, ठीक है, ये रूट्स डेवलप होंगे और फिर थोड़े से लीफी पार्ट ऊपर की तरफ निकल जाएंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से थोड़े ये लीफी पार्ट ऊपर की तरफ निकले हुए होंगे। ऐसा फर्दर चलता रहेगा, ये स्टेम इसी तरह ग्रोथ करेगी, ठीक है, ये स्टेम इसी तरह ग्रोथ करेगी, इस
ग्राउंड लेवल के साथ साथ, और जहाँ ये डायरेक्टली या प्रॉपर कॉन्टैक्ट बन गया ना इसका सॉइल लेवल के साथ, वहाँ ये रूट ग्रोथ स्टार्ट कर देगी। रूट की ग्रोथ होते ऊपर लीफी पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को, इस तरह की स्टेम को बोला जाता है रनर स्टेम, रनर स्टेम, ठीक है। इसकी ग्रोथ रेट बहुत हाई होती है, ठीक है, क्योंकि स्टेम, ये एक बात है कि ये कोई बड़े पेड़ नहीं होते, बहुत छोटे लोअर प्लांट्स होते हैं, और ये जो होते हैं ना क्रीपर्स बोला जाता है इन्हें, क्रीपर्स की कैटेगरी में रखा जाता है, रैंक के चलने वाले। ये रैंक की ये स्टेम्स बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप होती हैं सॉइल सरफेस पे, और जहाँ कॉन्टेक्ट में आ गई वहाँ इस तरह से लीफी पार्ट डेवलप हो जाएगा। तो देखो इसको दूब ग्रास इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूब, ये ढक लेती है उस सारे सरफेस को जो हम लोगों को नॉर्मल देखने को मिलती है ना, ये तो होती है साइनोडोन, ठीक है, लॉन ग्रास, दूब ग्रास बोलते हैं जैसे। और एक एग्जाम्पल और अगर नोट करना चाहो तो एग्जाम्पल है ऑक्सेलिस, ऑक्सेलिस में भी इसी तरह का मैकेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है, स्टेम ग्राउंड लेवल के साथ साथ डेवलप होती है, समझ गए, क्लियर है। तो ये है रनर, फर्स्ट टाइप ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, फर्स्ट टाइप सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब इसी तरह की दूसरी मॉडिफिकेशन होती है, ये तो हुई ग्राउंड की बात, ये तो हुई ग्राउंड की बात। अब इसी तरह की दूसरी होती है एक, जिसको हम लोग सेकंड बी में रख लेते हैं, ये है ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट का एग्जाम्पल, ऑफसेट का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है ऑफसेट के पिस्टिया, पिस्टिया, और एग्जाम्पल है आइकोर्निया, आइकोर्निया क्रेसिपस, जिसको वाटर हयासिंथ बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल का आतंक। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही मैकेनिज्म ऑफसेट में सिर्फ सोयल नहीं होगी, वाटर पे परफॉर्म होगा, ठीक है, यही मैकेनिज्म ऑफसेट क्या होता है, ये जो रनर यहाँ सोयल पे इस तरह से डेवलपमेंट शो कर रहे हैं ना, ऐसे ही डेवलपमेंट प्लांट के पार्ट जो वाटर पे डेवलपमेंट शो करते हैं उन्हें ऑफसेट कहा जाता है, सेम ऐसे ही डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस है, ये कोई प्लांट है, ये उसकी रूट्स हैं, ये है, ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया ना आइकोर्निया, ये अपने जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है ना मॉर्फोलॉजी, उसी की वजह से ज़्यादा फेमस है, उसी की वजह से इंडिया में लाया गया था इसे, ठीक है, ये हमारी इंडिजिनस वैरायटी नहीं है, ये इम्पोर्टेड है, समझ गए, और हर इम्पोर्टेड चीज़ अच्छी नहीं होती। देख लो ये एग्जाम्पल रहा, क्या होता है इसके अंदर, इसकी इसी तरह एक स्टेम पार्ट होता है जो डेवलप होता है इसे वाटर सरफेस पे, वाटर सरफेस पे डेवलप होगा और कुछ दूर जा करके यहाँ रूटिंग अराइज कर देगा, ठीक है, एक इंटरनोड, दो इंटरनोड छोड़ करके और रूटिंग अराइज कर देगा, और वहाँ से फिर ये लीफी पार्ट डेवलप, लीफी और फ्लोरल पार्ट डेवलप होने लग जाएंगे। और इसकी तो ग्रोथ रेट बहुत हाई होती है, इसकी जो डेवलपमेंट रेट है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसको जब निकालने लगे ना तो जितनी स्पीड से लोग इसे निकाल रहे थे वाटर बॉडीज़ पे फैल रहा था ये, तो वाटर बॉडीज़ को चोक कर रहा था, ठीक है, जो बंगाल के जो जैसे ये हम लोग कहें जो सीवरेज सिस्टम है उसको ब्लॉक कर दिया था इसने, ठीक है, कम्प्लीटली। तो इसको निकाल रहे थे ना जिस रेट से हम ह्यूमंस, उससे कहीं ज़्यादा रेट से ये डेवलप हो रहा था, तो इसकी डेवलपमेंट रेट बहुत ज़्यादा होती है, निकाला नहीं जा सका इसे, और अब भी ये वही है, बस थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हुआ प्रॉब्लम का। तो देखो इस तरह से ये भी डेवलपमेंट शो करता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये जस्ट वाटर सरफेस पे डेवलप हो रहा है, ये क्या है, ये वाटर है, ये वाटर है H2O, क्लियर है, वाटर सरफेस पे डेवलप हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को एक अलग नाम से जानते हैं हम लोग, ऑफसेट, इसे ऑफसेट बोल दिया, ठीक है, सेम यही फंक्शन है, बस ग्राउंड का डिफरेंस है, यहाँ सोयल है, यहाँ वाटर है, जो डेवलपमेंट का जो जगह है ना, ये डेवलपमेंट सोयल पे हो रही है, ये डेवलपमेंट वाटर पे हो रही है, ठीक है। तो ये तो है क्या, जैसे क्रीपर्स, ठीक है, क्रीप करके चलने वाले, यही रनर होंगे, यही ऑफसेट होंगे, ऑफसेट और रनर दोनों क्रीपर के एग्जांपल है। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे हम लोग कहें तो ये बी हो गया सी टाइप,
सी टाइप यानी थर्ड, थर्ड सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम की, जिसे कहा जाता है सकर। सकर सकर जो है ना, इसमें क्या होता है, देखो ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये कोई भी प्लांट डेवलप हो रखा है। अब एक चीज ध्यान देना, इन प्लांट्स में जहां स्टेम मॉडिफाई हो रही है ना, इन प्लांट्स में रूटिंग सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता। अब तुम लोग देखो, अगर रनर का रूटिंग सिस्टम कैसा होता है, अगर तुम लोग रनर को निकाल लोगे ना, जैसे एक को उखाड़ोगे, एक को उखाड़ोगे तो आप पास पास वाले चार पांच साथ में उखड़ के आ जाएंगे, क्योंकि स्टेम ज्यादा मजबूत होते हैं कंपेरेटिवली इसके रूटिंग सिस्टम के। ठीक है, इतना रूटिंग सिस्टम डेवलप नहीं होता जितनी स्टेम मजबूत होती है। ठीक है, तो ये स्टेम के कारण दो चार साथ में खिंच करके चले आएंगे। घास उखाड़ते हो, जानते हो तुम लोग ये चीज। ठीक है, अब देखो शक्कर में क्या होता है, शक्कर में ये प्लांट है। ठीक है, क्या हुआ, इस प्लांट की जो स्टेम है वो इस तरह से डेवलपमेंट शो करती है, ये अंडरग्राउंड गई और ये यहाँ पर नए प्लांट लेट की डेवलपमेंट शुरू कर दी। ठीक है, ज़्यादा अंडरग्राउंड नहीं, हम लोग ये नहीं कह सकते कम्प्लीटली अंडरग्राउंड, ये सोयल सरफेस के साथ साथ ही है, जस्ट ढकी रहती है बस मिट्टी से। ठीक है, तो इसकी ये जो स्टेम है ना, ये हमें दिखाई नहीं देती, शक्कर में स्टेम दिखाई नहीं देती, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब फिर इसी तरह से फर्दर इसी तरह से डेवलपमेंट शो करते हैं। ये है, ठीक है, ये हो गया, ये शक्कर का एग्जांपल है। ठीक है, ये शक्कर का एग्जांपल, ये है स्टेम, ये है स्टेम, और स्टेम है तो स्टेम तो याद रखना तुम लोग, स्टेम है तो नोड इंटरनोड होना कंपलसरी है, स्टेम है तो नोड इंटरनोड होना कंपलसरी है, नोड इंटरनोड से तो आइडेंटिफाई होती है स्टेम। ठीक है, क्लियर, तो ये शक्कर है। शक्कर अगर एग्जांपल्स की बात करें, शक्कर के एग्जांपल, तो शक्कर के एग्जांपल होंगे जैसे मिंट होता है। ठीक है, जैसे मिंट होता है, मिंट भी कौन सा, मिंट के भी टाइप हैं। यहाँ मिंट जो है वो होगा मिंथा अरवेनिस, अरवेंसिस, अरवेंसिस, मिंथा अरवेंसिस। ठीक है, मिंट का नाम है मिंथा अरवेंसिस, और यहां एग्जांपल होगा जैसे क्राइसेंथेमम है, क्राइसेंथेमम। क्लियर है, ये एग्जांपल है शक्कर के, समझ रहे हो। अब देखो नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने कितनी मॉडिफिकेशंस देख ली, रनर, ऑफसेट, शक्कर। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो आ जाएगी, चलो ठीक है देखते हैं, ये यहीं डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, वो है डी स्टोलन, स्टोलन। ठीक है, स्टोलन में क्या होता है, पहले तो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल कंफ्यूज नहीं होना है, मिंट दोनों का एग्जांपल है। ठीक है, ये चीज मैं बताता हूं, मिंट दोनों का एग्जांपल है, स्टोलन का भी और शक्कर का भी। अब स्टोलन का कैसे है ये देखो, यहां तो मिंट अरवेंसिस एग्जांपल है, यहां जो मिंट है वो कौन सी है, वो है मिंथा, मिंथा पाइपेरिटा, मिंथा पाइपेरिटा। ठीक है, मिंथा अरवेंसिस, मिंथा पाइपेरिटा। और नेक्स्ट स्टोलन में एग्जांपल होता है एक फेमस स्ट्रॉबेरी, बेरी है ये, स्ट्रॉबेरी कहलाती है। ठीक है, काफी शानदार टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है इसका, स्टोलन जो है। अब स्टोलन की डेवलपमेंट कैसे होगी, तो देखो कहाँ बनाए यार, ये सोयल सरफेस है। ठीक है, क्या होगा, ये प्लांट डेवलप हुआ, ठीक है, अब इसकी जो स्टेम है ना वो इस तरह से हवा में आर्क शेप्ड जाएगी, आर्क शेप्ड गई, जहां टच किया वहां पे रूटिंग डेवलप होगी। ठीक है, रूटिंग होने लगी, वहां रूटिंग हुई और फिर लीफी पार्ट डेवलप होने लग गए। ठीक है, इसकी जो स्टेम है वो हमें बाहर से दिखाई देती है, क्योंकि आर्क शेप्ड स्टेम होती है, आर्क शेप्ड स्टेम है।
ठीक है, इस तरह से डेवलपमेंट होती है। स्ट्रॉबेरी, वेलिसिनेरिया, ये इसका एग्जांपल वेलिसिनेरिया भी है, बट क्या करोगे, दो बहुत है, ठीक है। तो ये है, समझ गए, इस तरह से स्टेम है, तो नोड इंटरनोड होना तो लाजमी है, नोड इंटरनोड होना तो लाजमी है। ये नोड्स हैं, बीच वाला हिस्सा इंटरनोड कहलाएगा। ये इस तरह से होता है स्टोलन। तो देखो, हम लोगों ने चार तरह की सब एरियल मॉडिफिकेशंस देख लिए स्टेम की। कौन कौन सी? सबसे पहले रनर। रनर क्या करता है? जस्ट जो स्टेम है वो अटैच रहती है किससे? सोयल सरफेस से, बिल्कुल सटी हुई रहती है, ठीक है। फिर जहां पर प्रॉपर कनेक्शन बनता है वहां रूट्स डेवलप होने लग जाती है और ऊपर लीफी पार्ट डेवलप हो जाएगा। ऑक्सेलिस साइनोडोन जो लोन ग्रास होता है, ये इसके दो एग्जांपल्स हैं। अब देखो, रनर जैसा काम अगर वाटर पे हो, ये सोयल पे हो रहा है, यही वाटर पे परफॉर्म हो, तो क्या होगा, इसे ऑफसेट बोलेंगे, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ सबेरियल मॉडिफिकेशन ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जांपल पिस्टिया और आइकोर्निया। आइकोर्निया का पूरा नाम आइकोर्निया क्रेसिपस है, यहां वैसे जगह नहीं है, क्यों भीड़ करिए, वाटर हाइसिंथ इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये इस तरह से यही सेम फंक्शन जब वाटर लेवल पे, वाटर सरफेस पे परफॉर्म हो, वो ऑफसेट कहलाता है, क्लियर है। नेक्स्ट ये सकर है। सकर में क्या होता है, जो स्टेम है ना वो ग्राउंड लेवल में होगी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होगी, बट दबी हुई होगी, मिट्टी के नीचे होगी, हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देगी, अंडरग्राउंड नहीं बोलेंगे इसे, है ये सबेरियल ही, ठीक है, बट एक एक मतलब मिनिमल लेयर प्रेजेंट होगी इसके ऊपर सोयल की, ठीक है। ये मिंट, मिंट अरवेंसिस और क्राइसेंथेमम इसके एग्जांपल है। फोर्थ है स्टोलन। स्टोलन मिंट, मिंथा, पाइपेरिटा और स्ट्रॉबेरी इसके एग्जांपल है, वेलिसिनेरिया भी है, और इसमें क्या होगा, आर्क शेप्ड स्टेम होगी, आर्क शेप्ड सबेरियल स्टेम होगी जो इस तरह की डेवलपमेंट शो कर रही होंगी, ठीक है। ये चार क्या है, सबेरियल मॉडिफिकेशन है। जल्दी से इन्हें कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जल्दी। हो गया, अरे बता दो। चलो, तो देखो ये होगी किसकी मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम की। चार ही हम लोगों ने मॉडिफिकेशन देखी है अंडरग्राउंड की, चार ही सब एरियल की देखी है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं एरियल की मॉडिफिकेशंस को, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन थी सब एरियल स्टेम्स की। सब एरियल स्टेम्स की मॉडिफिकेशन। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड मॉडिफिकेशंस एरियल स्टेम की। एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। अब देखो एरियल मॉडिफिकेशन में क्या हुआ, एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन का पहला अगर एग्जांपल देखें हम लोग, फर्स्ट जहां एरियल मॉडिफिकेशन हो रही है स्टेम की, तो वो है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड, ठीक है। फाइलोक्लेड में क्या होता है, फाइलोक्लेड का एग्जांपल देखो, फाइलोक्लेड का एग्जांपल है कैक्टस ओपुंसिया, ठीक है, इसके एग्जांपल है। अब देखो यहाँ क्या होता है, जो स्टेम है फाइलोक्लेड टाइप की, स्टेम किसे कहेंगे, यहाँ जो स्टेम होती है ना वो कैसी हो जाती है, वो स्वेलन हो जाती है, स्वेलन, ठीक है। सेकंड जो स्टेम होती है वो क्या करती है, फ्लैसी हो जाती है, ठीक है, फूड स्टोर करने लगती है, ठीक है, फूड स्टोर्ड, फूड स्टोरेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये परफॉर्म करेगी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, क्लियर है, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी तो क्लोरोफिल होना कंपलसरी है, तो क्या होगा, ग्रीन कलर की होगी, ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर।
ये होगा स्टेम के साथ। तो स्टेम इस तरह से क्यों मॉडिफाई हुई भाई, रीजन क्या है स्टेम के ऐसी मॉडिफिकेशन का? तो देखो क्या होता है, ये कैक्टस जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया ना, ये जीरोफाइटिक कंडीशन का प्लांट है जहां वाटर की प्रेजेंस ना के बराबर होती है, वाटर नहीं होता जहां, ठीक है, जीरोफाइटिक कंडीशन होती है। जीरोफाइट है तो क्या करेंगे, कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जिससे वाटर जो खुद के पास है वो लॉस ना हो सके। अब ये क्या करते हैं, खुद के पास वाटर लॉस होने का सबसे आसान तरीका क्या है प्लांट के पास जिससे वाटर लॉस होता है, ठीक है, जिसको हम एसेंशियल इविल बोलते हैं, अब तो याद आया होगा ना, ट्रांसपीरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इवोपरेटरी लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटल पोर्स, समझ गए। अब देखो क्या होता है, इस ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए कहाँ से होगा, लीफ के थ्रू होता है, लीफ पे जो स्टोमेटा होते हैं। तो प्लांट क्या करता है, कैक्टस सारा लीफ ही नहीं रखेंगे तो ट्रांसपीरेशन क्या घंटा होगी, लीफ ही छोड़ दिया इन्होंने, लीफ को ही मॉडिफाई कर दिया, क्या किया लीफ के साथ, स्टेम को तो मॉडिफाई किया ही किया, लीफ के साथ क्या किया, लीफ को मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाइड इंटू स्पाइक्यूल्स या स्पाइंस, ठीक है, कांटों में मॉडिफाइड कर दिया। लीफ जो है वो थ्रोन जैसा स्ट्रक्चर, थोर्न, थोर्न होता है ना कांटे, स्पाइक्स, स्पाइन, स्पाइक्यूल, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया इनका, ठीक है, तो इनके अंदर ये मॉडिफिकेशन हुई। अब देखो क्या होता है, दिखती कैसी है ये स्टेम, फाइलोक्लेड जो है, फाइलोक्लेड को अगर हम देखें, नोट करें, तो ये जैसे ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर डेवलप ये कैक्टस की स्टेम है, ठीक है। अब इस तरह से इस पे स्कार्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कैक्टस पे ये स्कार हैं, ये स्पाइन नहीं है, ध्यान देना, ये स्कार हैं, ये स्कार हैं, ठीक है, कट लगे हुए सोच समझ सकते हो तुम लोग। अब ये स्कार्स क्या होते हैं, ये स्कार जो है स्कार लाइक स्ट्रक्चर, ये होती हैं नोड्स, ये होती हैं नोड्स, ठीक है, और नोड्स पे ही हमेशा तुम लोग समझना लीफ और ब्रांचेस डेवलप होंगी, ये पता है ना तुम लोगों को स्टेम की, नोड्स पे लीफ और ब्रांचेस डेवलप होती हैं, तो यहीं डेवलप होंगे इसके जो स्पाइक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से स्पाइन जो है इसके, कांटे जो हैं वो इस तरह से यहां डेवलप होंगे, ठीक है, इस तरह से डेवलप हुई होंगी, इस तरह से, मैं ड्रॉइंग के मजे ले रहा हूं, अब क्या बताऊं तुम लोगों को, ठीक है, इस तरह से स्पाइक्स डेवलप, स्पाइक्यूल बोल दो, थोर्न बोल दो, स्पाइन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, ये डेवलप हुए होंगे। अब इस ऐसे ही किसी एक नोड से ब्रांचिंग डेवलप हुई होगी, तो यहां से डेवलप होती है इसकी ब्रांचिंग, ठीक है, अब ये ब्रांचिंग पे भी इस तरह से नोड्स इंटर नोड तो बनेंगे, तो ये नोड्स होते हैं, ठीक है, फिर फर्दर ऐसे ही यहां किसी एक ब्रांच से, एक नोड से दूसरी ब्रांच डेवलप हुई होगी, तो ये होता है कैक्टस का स्ट्रक्चर, ये होता है कैक्टस का, हर ब्रांच पे स्पाइक्यूल्स होते हैं जो मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये क्या है स्पाइक्यूल, थोर्न, स्पाइन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स है, ये इस तरह से डेवलप होते हैं, ये है जो मॉडिफाइड स्टेम है, इसको कहते हैं फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड, क्लियर, समझ गए, ये है फाइलोक्लेड, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ठीक है, तो ये कैक्टस इस तरह से फाइलोक्लेड डेवलपमेंट शो करता है, समझ गए, नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जल्दी हो गया डन, चलो तो ये है फाइलोक्लेड। अब एक मॉडिफिकेशन हुई फाइलोक्लेड वाली, अब दूसरी पे चलते हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन की सेकंड टाइप, सब एरियल मॉडिफिकेशन की जो सेकंड टाइप है ना, वो देखो वो क्या है,
सेकंड है क्लेडोड, क्लेडोड, ठीक है। क्लेडोड में क्या होता है, क्लेडोड को हम लोग, अगर मैं स्पेशल पॉइंट बताऊं ना तुम लोगों को, क्लेडोड को हम लोग वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड भी कह सकते हैं, वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड। वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड कैसे होगा, देखो इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्लेडोड का होता है, एस्पार्गस, क्लियर। एस्पार्गस में क्या होता है, जो स्टेम है ना वो मॉडिफाई होगी फाइलोक्लेड की तरह, यहाँ भी स्टेम फ्लैसी होगी, ठीक है, फूड स्टोर कर रही होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ होता क्या है, एक इंटरनोड का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। जैसे तुम लोग बनाओ यहाँ डायग्राम, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये एक इंटरनोड स्टेम की ब्रांचिंग निकली जो कि एक इंटरनोड डेवलप हुई, ठीक है, एक इंटरनोड तक डेवलप हुई। फिर यहाँ ये जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब स्टेम मॉडिफाई होना शुरू होगी, ये इस तरह के फ्लैसी स्ट्रक्चर्स बनने लग गए, ठीक है। फिर जो है स्टेम वापस से एक इंटरनोड लॉन्ग हुई और फिर वही इसी तरह स्ट्रक्चर्स डेवलप होना शुरू हो गए, इसी तरह वापस फिर से यहाँ वो स्ट्रक्चर्स डेवलप होना शुरू हो गए, ठीक है। फिर वापस स्टेम लॉन्ग, एक इंटरनोड लॉन्ग हुई, तो स्ट्रक्चर वही है, वैसे ही है, बट एक इंटरनोड का फर्क है, ये है इंटरनोड, ये है इंटरनोड, क्लियर है, और ये मॉडिफिकेशन है जिसको हम लोगों ने क्लेडोड कहा है। ये ऐसा स्ट्रक्चर एस्पार्गस में देखने को मिलता है, ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है, एस्पार्गस में, ठीक है। देखो जैसे क्या हुआ, स्टेम की एक इंटरनोड हुई, फिर मॉडिफिकेशन, फिर नोड, फिर मॉडिफिकेशन, फिर नोड, फिर मॉडिफिकेशन, ये चलता रहा, ठीक है, ये चलता रहा। ये होता है क्लेडोड, ये क्या है, क्लेडोड है। तो दो तरह के एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं, कौन कौन से, फाइलोक्लेड और क्लेडोड। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, थर्ड सी, सी जो है वो मॉडिफिकेशन है थोर्न की, थोर्न। अब पर्टिकुलर जब स्टेम थोर्न में ही डेवलप होने लग जाए, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेम थोर्न में ही डेवलप होने लग जाए तो क्या होता है। तो देखो थोर्न तुम लोग जानते हो कांटे होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर किस लिए डेवलप हुआ, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो, जैसे डुआंट्रा है, डुआंट्रा सिट्रस फ्रूट्स है, इस तरह के, ठीक है। क्या होता है थोर्न, ये जैसे स्टेम है, ये स्टेम है, डेवलप हो रही है, ब्रांचिंग निकली, ठीक है, ब्रांचिंग निकली, तो देखो क्या हुआ, ब्रांचिंग ये एक लीफ की तरह डेवलप हुई, ये लीफ डेवलप हुआ, ठीक है, लीफ डेवलप हुआ। यहाँ क्या था, यहाँ नोड थी ना जहाँ से लीफ डेवलप हुआ है, तो इसी नोड पे यहाँ डेवलप हो गया, ये ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर थॉर्न बोलते हैं जिसे, ये है थॉर्न, थॉर्न, क्लियर है। डेवलपमेंट तो स्टेम की ही है ना, डेवलपमेंट तो स्टेम की ही है, तो इस तरह से डेवलप होता है ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, ये है थर्ड मॉडिफिकेशन थॉर्न, ये है थर्ड मॉडिफिकेशन थॉर्न। अब एक फोर्थ मॉडिफिकेशन और है, वो डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ मॉडिफिकेशन भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। डी, डी है टेंड्रिल, टेंड्रिल्स, टेंड्रिल हम लोग पहले बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं ना टेंड्रिल के बारे में, है ना। अब टेंड्रिल के छोटे मोटे पॉइंट देख लेते हैं, टेंड्रिल क्या होता है, टेंड्रिल एक वायर्ड, ठीक है, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, वायर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ गए, वायरिंग जैसा, स्प्रिंग नहीं जानते तुम लोग, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है टेंड्रिल। में पानी पी लेता हूँ, दो मिनट रुको।
तो देखो वायर जैसा स्ट्रक्चर होगा, स्प्रिंग जैसा, नॉर्मली तुम लोगों ने देखा है बहुत बार, ठीक है। स्टेम की मॉडिफिकेशन किस तरह होगी, जैसे ये स्टेम है, इसी डायग्राम में दिखा देते हैं ना, थॉर्न तो डेवलप हो ही गया, ठीक है। इस तरह एक और लीफ था, क्या हुआ इसके यहाँ इस जगह जो बड लाइक स्ट्रक्चर था ना, जिसको डेवलपमेंट होनी थी, ये नोड पे, नोड पे जो बड लाइक स्ट्रक्चर था जिसकी डेवलपमेंट होनी थी, उसने क्या किया, इस तरह की डेवलपमेंट शो की, इस तरह की। ये क्या है, ये है टेंड्रिल, ये है टेंड्रिल, और टेंड्रिल के एग्जांपल अगर देखें स्टेम टेंड्रिल के, तो वो पर्टिकुलर एग्जांपल है जैसे पिसी फ्लोरा और विटिस, विटिस जो ग्रेप वाइन होती है, ठीक है, अंगूर की बेल होती है, वो इसका पर्टिकुलर एग्जांपल है। तो ये देखो हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस चारों देख लिया, फाइलोक्लेड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाकर देखा, ठीक है, फिर क्लेडोड जिसको हम एक इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड बोल सकते हैं, इस तरह की डेवलपमेंट होती है, एस्पार्गस एग्जांपल है, थॉर्न डुआंट्रा और सिट्रस में प्रेजेंट होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव होता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, जबकि टेंड्रिल ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में सारी बातें, पिसी फ्लोरा विटिस इसका सबसे बेटर एग्जांपल माना जाता है, ठीक है, पिसी फ्लोरा और विटिस। तो ये है एरियल मॉडिफिकेशंस, एरियल मॉडिफिकेशंस जल्दी नोट डाउन करो तुम लोग, ठीक है, एरियल मॉडिफिकेशंस है, हो गया। हो गया क्या, चलो डन, शाबाश। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये मॉडिफिकेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ स्टेम की, ये मॉडिफिकेशंस जो भी हैं स्टेम की सारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ, ठीक है। तो अब एक बार बात कर लेते हैं स्टेम मॉडिफिकेशंस के बारे में। स्टेम की मॉडिफिकेशन हम लोगों ने तीन लेवल पे देखी है, अंडरग्राउंड, एरियल और सब एरियल, ठीक है, सबके चार चार टाइप्स देखे हैं, ठीक है, मेजर फोर टाइप्स देखे हैं सबके। अंडरग्राउंड चार तरह की थी, एरियल चार तरह की है और सब एरियल चार तरह की थी, ठीक है, यानी टोटल 12 टाइप्स हैं स्टेम मॉडिफिकेशन के जो मेन हैं, और 12 के लगभग हम लोगों ने 24 एग्जांपल्स देखे हैं, हर एक के दो एग्जांपल देखे हैं ऑलमोस्ट। तो ये एग्जांपल्स और टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और याद रखने हैं, ठीक है। स्टेम मॉडिफिकेशन ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज रखती है और पॉइंट्स की कंपैरिजन में, ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं जो वीक स्टेम होती है ना, स्टेम की दूसरी टाइप है जो स्टेम वीक होती है, ठीक है। स्टेम जो हार्ड वुड स्टेम होती है वो अलग चीज़ है, अब हम बात करें वीक स्टेम की, जैसे हर्ब्स के अंदर होती है इस टाइप की, ठीक है, उन स्टेम्स की बात कर लेते हैं। तो देखो वीक स्टेम्स किस किस टाइप की होंगी, ठीक है, देखो हम लोग इसमें सबसे पहले जो पॉइंट लेंगे, सबसे पहला एग्जांपल वो है क्रीपर्स का, क्रीपर्स जो रैंक करके चलते हैं। अभी हम लोगों ने बात की ना क्रीपर कौन कौन से हैं, अभी बात की थी ना क्रीपर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो क्रीपर जो रैंक के चलते हैं अर्थ सरफेस पे, ठीक है, सोयल सरफेस पे बिल्कुल अटैच्ड पोजिशन रखेंगे, तो उसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल थे देखो याद करो तुम लोग। ऑफसेट को हम यहाँ काउंट नहीं करें क्योंकि वो वाटर पे होता है, क्रीपर हम लोग मेनली सोयल सरफेस वाले काउंट कर रहे हैं। तो देखो रनर इसका एग्जांपल है, रनर इसका एग्जांपल है, ठीक है, सकर इसका एग्जांपल है, तो ये है क्रीपर के एग्जांपल, ठीक है। अब इनके एग्जांपल क्रीपर के भी एग्जांपल होंगे, रनर स्टेम, सकर स्टेम, सारी क्रीपर स्टेम्स में आती हैं, जो वीक स्टेम जो क्रीप करके चलती हैं, ठीक है। अब इसको तो दोबारा समझाने की जरूरत है नहीं शायद। अब देखो नेक्स्ट सेकंड, सेकंड जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, सेकंड वीक स्टेम है ट्रेलर, ट्रेलर्स। अब ये चीज समझने वाली जरूरत है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्रीपर और ट्रेलर में, थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस है छोटा सा, क्या है कि पहले डायग्राम से समझो तब समझ आएगा तुम्हें। ये सोयल सरफेस है, ठीक है, ये सोयल सरफेस है, ये वो प्लांट है, ये यहाँ डेवलप हुआ, ये इसका रूट सिस्टम है, एडवेंटिशियस रूट्स ही होंगी, ठीक है, ये इसकी लीफी पार्ट है,
ये इसका लीफी पार्ट है। इसके स्टेम्स ने डेवलप होना शुरू किया। मैं स्टेम का कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, इस तरह से डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, इस तरह से वो फैली, ठीक है, सॉइल सरफेस पे इस तरह से फैली वो स्टेम्स, इस तरह से, ठीक है। अब ये कलर्ड पोर्शन है तो लीफ मत समझ लेना इनको, कलर्ड लीफ। ये स्टेम्स इस तरह से फैलती है, देखा होगा तुम लोगों ने कई प्लांट्स इस तरह के स्टेम रखते हैं, ठीक है। ये फैल तो गई, ठीक है, मान लिया ये इस तरह से पूरे सोइल सरफेस पे चारों तरफ फैल गई, इस तरफ भी पीछे की तरफ भी। अब मैं 3D में दिखा नहीं सकता, तो देखो ये फैल गई। अब क्या होता है, रनर और इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी जो स्टेम्स है और रनर की स्टेम उसमें इतना ही डिफरेंस है कि देखो इनकी स्टेम्स भी नई लीफलेट्स को डेवलप करेंगी, इनकी स्टेम्स भी नई लीफलेट्स को ही डेवलप करेंगी, यहाँ भी नई लीफलेट्स डेवलप होंगी, ठीक है, जहाँ ये सोइल के टच में आएगी वहाँ नई लीफलेट्स डेवलप होंगी। बट अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो रनर और इसमें मैंने एक डिफरेंस बनाया है, अगर समझे हो तो वो डिफरेंस समझ आ जाएगा। अगर कतई बुड़बक हो तो क्या कर सकते हैं, देखो एक डिफरेंस है कि ये स्टेम्स डेवलप तो कर रही है लीफी पार्ट, बट इनकी रूट नहीं है ना, रूट नहीं है। तो देखो इन स्टेम्स की रूट्स डज नॉट डेवलप्स इन स्टेम elongations, stem elongation, stem की ये जो elongation है इनमें roots develop नहीं होती, ठीक है। leafy part develops on stem elongations, stem elongations only, ओनली लीफी पार्ट डेवलप होता है, ठीक है, रूट पार्ट डेवलप नहीं होता, ठीक है। जबकि रूट्स रनर में क्या था, जैसे जैसे ये फैलेंगे जहां सोइल के टच में आएंगे वहां नई रूट्स अराइज हो जाएंगे, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं होता, यहां रूट्स अराइज होती नहीं है जो इलोंगेशन हुई है इनमें, समझ रहे हो, वो इनका खुद का मैकेनिज्म है, रूट्स नहीं होती, इसलिए ही स्पेशल टाइप का बताया गया है, ट्रेलर टाइप का है मैंने, ठीक है। अब ट्रेलर के एग्जाम्पल देखो, ट्रेलर का जो एग्जाम्पल होता है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेलर के एग्जाम्पल में आएगा यहाँ, तुम लोगों ने नाम तो सुन रखा पर जानते नहीं हो, यूफोरबिया क्या हुआ, ट्रेलर के पास बाकी सब कुछ था, सिर्फ रूट नहीं थी, ट्रेलर के पास जो स्टेम इलोंगेशन थी, ठीक है, लीफी पार्ट डेवलप हो रहे थे, सेम रनर वाली कंडीशन है, बट सिर्फ क्या नहीं है, रूट्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ रूट्स नहीं है, समझ गए। अब एक दो हो गए ना, एक थर्ड डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड है लिनाज या लिनेज बोल दो तुम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिनाज या लिनेज में क्या होता है, जो क्लाइंबर होंगे यहां ये प्लांट्स क्लाइंबर होंगे, बट वुडी क्लाइंबर्स। वुडी क्लाइंबर का मतलब क्या है, देखो जैसे ये कोई स्टेम है, कोई भी सपोर्ट है इस पर चढ़ना है, ठीक है, वीक स्टेम वाले प्लांट है, क्लाइंब करेंगे, क्लाइंबर होंगे, ठीक है। अब वो क्लाइंबर होंगे, क्लाइंब किसी की हेल्प से कर सकते हैं, बे टेंड्रिल या किसी चीज की भी हेल्प से, तो ये क्लाइंबर होंगे, बट ये वुडी क्लाइंबर होंगे, यानी इनकी जो वीक स्टेम तो है बट इस स्टेम के ऊपर भी हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, इस स्टेम के ऊपर भी, ये इतनी भी वीक नहीं होगी कि कतई जहर वीक है, कतई जहर वीक नहीं होगी, इनके ऊपर भी हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, समझ गए। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये नया एग्जांपल है, नहीं सुन रखा होगा तुम लोगों ने, ये एग्जांपल है हिप्टेज, ठीक है, हिप्टेज इसका एग्जाम्पल है। अब देखो ये तीन हो गए, ठीक है,
क्रीपर ट्रेलर लिनेज। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं, फोर्थ जो है वो पर्टिकुलर क्लाइंबर ही है, क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स के एग्जांपल हम लोग जैसे पहले भी बात कर चुके हैं एग्जांपल्स में, यहां मेन एग्जांपल जो आएगा ना वो आएगा पोथोस का। पोथोस, पोथोस क्या होता है? पोथोस है मनी प्लांट बोलते हो जिसे, ठीक है, पैसे का पेड़। तो मनी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पोथोस, ठीक है। एक यहाँ एग्जांपल जैसे तुम लोग कह सकते हो जो ब्लैक पेपर है, पेपेरिया का पौधा है, वो भी इसी का एग्जांपल। क्या होता है देखो, इसकी जो स्टेम होती है, हम लोग ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी जो स्टेम है, ठीक है, ये जो स्टेम है इसकी ब्रांचेज निकलेंगी, ठीक है, छोटी 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 ब्रांचेज निकलेंगी, समझ गए। जैसे यहाँ लीफ है तो दूसरी तरफ ब्रांच होगी एक छोटी सी, जैसे यहाँ लीफ है तो दूसरी तरफ एक छोटी सी ब्रांच होगी, ठीक है। और इन ब्रांचेस पे क्या होगा, अगर हम इसे इनलार्ज करके देखें, अगर हम इस पार्ट को इनलार्ज करके देखें, ये मैं जूम इन का साइन बनाया मैंने ये, ठीक है, समझना तुम लोग। अब इस चीज को मैं इनलार्ज कर रहा हूँ, ये ब्रांच इनलार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी ना, पेड़ से बड़ी होगी। अब देखो इस ब्रांच पे हमें क्या देखने को मिलता है, इस ब्रांच पे देखने को मिलता है कि इस पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, जो इसे अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ऐसे, हुक जैसे स्ट्रक्चर्स, हुक नहीं होंगे बट ये हुक जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो क्लाइंबर्स को क्लाइम करने में, अटैच करने में। कभी देखना मनी प्लांट को, मनी प्लांट लोगों के घर में है, क्योंकि लोग बहमे बहुत हैं, बहुत अंधविश्वास फैल रखा है, तो सोचते हैं उसके आने से पैसे आएंगे, बट वो बेवकूफ है, बिना मेहनत के पैसे कभी नहीं आते। देखो क्या होता है, उनको जब देखोगे तुम लोग तो उसकी जो स्टेम है, स्टेम के जो ब्रांचिंग है उन पे तुम्हें देखने को मिलेगा ऐसे छोटे 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 नीचे हुक जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उनको जूम करके देखना पता चल जाएगा। ये क्लाइंबर्स पोथोस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो चार हो गए, क्रीपर, ट्रेलर, लिनर्स और क्लाइंबर्स, ठीक है, जल्दी से नोट करो, जल्दी से समझ गए, जल्दी नोट करो। हो गया डन, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब देखो, अब ये हो गए चार टाइप, ठीक है, वीक स्टेम में। अभी देखो हम लोग जो पॉइंट अब डिस्कस करने वाले हैं ना, वो भी पर्टिकुलर क्लाइंबर की ही बात कर रहे हैं, बट पहले हम टेंड्रिल क्लाइंबर की बात करेंगे, ठीक है। टेंड्रिल्स की हेल्प से ज़्यादा क्लाइंब होते हैं प्लांट, जो भी क्लाइंबर प्लांट होंगे ज़्यादातर टेंड्रिल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये तो अदर मॉडिफिकेशन है, ज़्यादातर टेंड्रिल की हेल्प लेते हैं। तो देखो टेंड्रिल वाले कैसे होंगे, ठीक है, टेंड्रिल क्लाइंबर ये टाइप नहीं है, क्लाइंबर में ही है बट स्पेशल है, सॉरी, टेंड्रिल क्लाइंबर। टेंड्रिल क्लाइंबर्स में क्या होगा, देखो टेंड्रिल क्लाइंबर्स में जैसे हम लोग अगर एग्जांपल माने तो एक एक डिस्कस कर लेते हैं। होल लीफ टेंड्रिल, पूरा का पूरा पत्ता, होल लीफ टेंड्रिल, पूरा का पूरा पत्ता ही टेंड्रिल में चेंज हो गया, ठीक है। ऐसा किस प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, तो बात कर लेते हैं एग्जांपल, जहां पूरा का पूरा लीफ ही टेंड्रिल बन गया ऐसा प्लांट है लथायरस। जेनेटिक्स में पढ़ते हैं लथायरस, नाम आता है लथायरस ओडोरेटस। ओडोरेटस इसकी एक स्पीसीज है, यह स्वीट पी का प्लांट होता है, स्वीट पी, लथायरस, लथायरस ओडोरेटस। ये इसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा जो टेंड्रिल ही है ना, वो पूरा पूरा लीफ है, वही टेंड्रिल बन गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि लीफ के पास से टेंड्रिल डेवलप हुआ, पूरा पूरा लीफ ही टेंड्रिल बन गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट टेंड्रिल अगर देखें दूसरा, तो देखो अब हम बात कर रहे हैं कि लीफलेट टेंड्रिल, लीफलेट समझते हो ना, लीफलेट टेंड्रिल जैसे क्या था, ये तो है लीफ, ठीक है। लीफलेट क्या होता है, यही लीफ या फिर नॉर्मली इस तरह के लीफ डेवलप हो जाए, छोटे 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 लीफ डेवलप हो, बंजा छोटे 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 लीफ लेट्स, लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाए और ये फिर टेंड्रिल को डेवलप करें, तो वो होता है लीफलेट टेंड्रिल, होता है लीफलेट टेंड्रिल। अब ये लीफलेट्स जो टेंड्रिल में चेंज होंगे, ठीक है, टेंड्रिल में चेंज होंगे, वो लीफलेट टेंड्रिल होता है। और एग्जांपल की अगर बात करें तो यहां एग्जांपल आएगा वही अपने मेंडल अंकल वाला पौधा, याद है ना, मेंडल अंकल ने कौन सा पौधा लिया था, पाइसम स्टेवियम यानी गार्डन पी, गार्डन पी 14 क्रोमोसोम वाली, याद है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, पाइसम स्टेवियम जी जे मेंडल, ये लीफलेट टेंड्रिल है, ये क्या है, ये लीफलेट टेंड्रिल है पाइसम स्टेवियम। अब देखो टेंड्रिल कुछ और तरह से भी डेवलप होते हैं, कुछ और पार्ट से भी डेवलप होते हैं, ठीक है। दो हम लोगों ने देख लिया, या तो पूरे लीफ से डेवलप हों या लीफलेट से डेवलप हो रही हों, ठीक है। लीफ से डेवलप होंगी तो ये देखो ये पूरा का पूरा, ये जैसे ये जो है ना ये इसमें आता है, पूरा का पूरा लीफ ही टेंड्रिल में चेंज हो गया। लीफलेट जहां छोटे छोटे पत्ते जो हैं वो टेंड्रिल में चेंज हो रहे हैं, ये लीफलेट का टाइप है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो तुम लोग कह सकते हो कि लीफ है, ठीक है, लीफ का ही पार्ट, ना तो पूरा लीफ टेंड्रिल में चेंज हो रहा है ना लीफलेट टेंड्रिल में चेंज हो रही है, लीफ की जो एपिकल पोजिशन है, एपिकल पार्ट है, वो टेंड्रिल में चेंज हो रहा है, ठीक है, वो टेंड्रिल में चेंज हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग लीफ एपिकल टेंड्रिल, लीफ एपिकल टेंड्रिल। लीफ एपिकल टेंड्रिल में क्या होगा, जैसे ये लीफ है, जैसे ये लीफ है, ठीक है, इसका ये जो एपिकल वाला पोर्शन है, ये हिस्सा, ये इसका जो एपिक या टिप वाला पोर्शन है, ये हिस्सा जब टेंड्रिल में डेवलप हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं लीफ एपिकल टेंड्रिल। देखो समझने वाली चीज है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, लीफ एपिकल टेंड्रिल अलग है, लीफ लेट टेंड्रिल अलग है और लीफ टेंड्रिल अलग है। लीफ में तो पूरा का पूरा लीफ ही चेंज हो रहा है, पूरा होल लीफ टेंड्रिल में चेंज हो गया, ठीक है, इसलिए होल लीफ टेंड्रिल बोल दिया। यहां छोटी छोटी छोटे छोटे पार्ट्स हैं लीफ के, वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम लोगों ने क्या बोला कि लीफ लेट, जैसे छोटे पार्ट लीफ के वो चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ लीफ का जो एपिकल पोजीशन है वो चेंज हो रहा है टेंड्रिल के अंदर, ठीक है। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका सुटेबल एग्जांपल है ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा प्लांट जो है ना वो लीफ एपिकल टेंड्रिल का एग्जांपल है। ग्लोरियोसा प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनकी एपिक्स जो टिप हैं वो टेंड्रिल में चेंज हो जाती हैं, ठीक है, वो टेंड्रिल में चेंज हो जाती हैं। तो ये हो गए तीन टाइप के, अब कुछ और भी हैं तो ये नोट करो, फिर हम लोग वो और टाइप डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, हो गए क्या, चलो अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट। ये टेंड्रिल के टाइप्स, ठीक है, चलो अब सिर्फ लीफ से ही टेंड्रिल डेवलप नहीं होते, कुछ और हिस्सों से भी टेंड्रिल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक केस बनता है कि पेटियोल जो होते हैं,
उससे डेवलप हो रही है, तो पेटियोलर टेंड्रिल, पेटियोलर टेंड्रिल, ठीक है। या फिर एक केस बनता है कि जो स्टाइप्यूल होते हैं, स्टिप्यूल, तो वहां से डेवलप हो रहे हैं, स्टिप्यूलर टेंड्रिल, जो स्टिप्यूल पार्ट होते हैं और जो पेटियोल पार्ट होते हैं यहां से टेंड्रिल डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो पेटियोलर टेंड्रिल जो है, पेटियोलर टेंड्रिल का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा क्लाइमेटिस प्लांट में, क्लाइमेटिस प्लांट में हमें पेटियोलर टेंड्रिल का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जबकि स्टिप्यूलर टेंड्रिल का एग्जाम्पल देखने को हमें मिलेगा स्माइलेक्स प्लांट में, स्माइलेक्स, ठीक है। ये नया नाम है स्माइलेक्स, जैसे वो हिप्टेज था। तो देखो स्टिप्यूल से डेवलप हो रहा है टेंड्रिल वो स्माइलेक्स, जहां पेटियोल से डेवलप हो रहा है वो क्लाइमेटिस, ठीक है। ये दो और हैं, तो टोटल कितने हो गए, तीन और दो, पांच टाइप के टेंड्रिल क्लाइंबर्स की एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, पांच टाइप के टेंड्रिल क्लाइंबर्स के, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ टेंड्रिल क्लाइंबर, क्लाइंबर वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने वीक स्टेम में कितने पॉइंट देखे हैं, अब तक चार पॉइंट देखे हैं, ठीक है, क्लाइंबर को मिला करके। क्लाइंबर फोर्थ एक मॉडिफिकेशन या एग्जांपल बोल दो तुम लोग वीक स्टेम का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ, नेक्स्ट फिफ्थ जो है वो है ट्वाइनर। ट्वाइनर, ट्वाइनर क्या होता है, ये भी क्लाइंबर की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है, ना तो किसी टेंड्रिल की हेल्प ली जाएगी, ना कोई स्पेशल हुक जैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, कुछ नहीं होगा, पूरी की पूरी स्टेम होगी। अजगर देखा है, अजगर तुम लोगों ने पाइथन देखा है ना, वो क्या करता है, वो चंदन के पेड़ पे रहता है, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि उसे वहां ठंडक मिलती है, चंदन की, चंदन जो है सैंडलवुड उसकी लकड़ी ठंडी होती है, इसलिए वो अलग बात है। अब देखो क्या होता है, वो उस लकड़ी पे इस तरह लिपटा हुआ रहता है चारों तरफ, ठीक है, जैसे यहाँ इस तरह से लिपटा हुआ, जैसे अपना डीएनए कोइल्ड नहीं होता वैसी कोइलिंग होती है इसकी, और इसी तरह कोइलिंग करके ये ट्वाइनर्स क्लाइम करते हैं, ठीक है। ये कोई हेल्प नहीं लेते पर्टिकुलर किसी चीज की, ये खुद स्टेम जो है ये चारों तरफ राउंड 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 गोल गोल घूमिया 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 वो सारा घूम लेता है, ठीक है। तो ये खुद स्टेम जो है वो सर्कल होकर के इनसर्कल या राउंड होकर के ऊपर चढ़ जाती है प्लांट के, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है, ट्वाइनर का एग्जाम्पल है कैस्कुटा, ये तुम लोगों ने सुना होगा, इसको अमरबेल भी बोलते हैं, अमरबेल है ना, कैस्कुटा जो प्लांट पैरासाइट है, प्लांट पैरासाइट है, या फिर तुम लोग बोल सकते हो पैरासाइटिक प्लांट है, दोनों ही बातें सही है ना, प्लांट पे पैरासाइट है और खुद भी एक प्लांट है, तो पैरासाइटिक प्लांट बोल सकते हो तुम लोग, पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट है, क्लियर है। यहां क्या होता है, जो स्टेम होती है ना, स्टेम सेल्फ क्लाइंब, ठीक है, याद रखने के लिए नोट कर लो, तुम लोगों को क्या घंटा याद रहेगा, कैस्कुटा किसका एग्जांपल था, ट्वाइनर क्या था, ट्वाइनर, तो यहां स्टेम खुद चढ़ जाती है, ठीक है, स्टेम सेल्फ कंबाइन क्लाइंब, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा, ठीक है, वीक स्टेम में, और ये टेंड्रिल के दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, समझ गए, जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट करो, ठीक है, हो गया क्या, डन डन डन। अरे अभी वाला है या पहले वाला, ये नहीं पता यार, चलो कोई बात नहीं। तो ये है वीक स्टेम का एग्जांपल, ठीक है, वीक स्टेम जो थी उसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, पांचों टाइप। क्लाइंबर हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा देख लिया, सॉरी टेंड्रिल वाला हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया, टेंड्रिल क्लाइंबर वाला, ठीक है, ये सारे भी डिस्कस कर लिए, स्टेम की मॉडिफिकेशंस डिस्कस कर ली। तो यहाँ स्टेम कंप्लीटली कंप्लीट होता है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, ठीक है, समझ गए, तो इसे कंप्लीट करो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट लीफ के बारे में, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, ओके, गुड बाय।